इंदिरा जी से भारत की प्रधानमंत्री ही नहीं थी, सहस्राब्दी हजारों वर्ष जो सबसे प्रभावशाली और सशक्त महिला प्रधानमंत्री थी। दुनिया के लोग इतिहास में अपना नाम लिखाते हैं। इंदिरा जी ने 1971 में दुनिया का भूगोल बदल अपना नाम दर्ज कराया, बांग्लादेश का निर्माण कराया, परमाणु शक्ति के रूप में भारत का उदय कराया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्सेस खत्म करके सबको सामान्य बनाया। यही नहीं, जिस तरीके से मजदूरों के हित में उन्होंने नेशनलाइजेशन किया, चाहे वो कोयले की खान हो, चाहे स्टील की हो, और जिस तरीके से उन्होंने इस देश की आम जनता जो गरीबी की रेखा के नीचे थे उनको ऊपर लाने का प्रयास किया, उसको लिए इंदिरा जी के लिए ये देश हमेशा हमेशा ऋणी रहेगा, हमेशा उनको सम्मान के साथ याद करेगा। काश आज इंदिरा जी ऐसी परिस्थितियों में नेतृत्व करती हमारा, तो ये जो कुछ शक्तियां जो देश को बांटना चाहती हैं, कमज़ोर करना चाहती हैं, वो कभी सफल नहीं होती। इंदिरा जी का दूसरा नाम ही मैं कह सकता हूँ, भारत माँ की ऐसी बेटी थी जिस पर हर हिंदुस्तानी को फख्र है। आज उनके जन्मस्थली पर, उनके कर्मस्थली पर, उनके निवास पर आकर सभी कांग्रेसजनों ने उनके प्रति श्रद्धांजलि दी।